हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और मैं आपके लिए आज एक वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि थंबनेल आपका क्या बोल रहा है, तो मतलब आप परेशान हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप डाटा केबल लगा के आप फाइलों को ट्रांसफ़र करने से परेशान हैं। तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है, तो आप डाटा केबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फाइल को इजीली तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हो और फाइल ले सकते हो और फाइल डाल सकते हो। मतलब आप फाइल निकाल भी सकते हैं और फाइल आप डाल भी सकते हैं। वो सारा प्रोसेस हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं करके स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो अगर आप जानते हैं तो लास्ट तक देखेंगे, नहीं जानते हैं तो लास्ट तक देखेंगे। अगर आप जानते हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपको जानकारी चाहिए कि आप हमेशा कंप्यूटर से बार बार डाटा आपको लेना है, आप कंप्यूटर से बार बार आपको डाटा देना है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको बिना डाटा केबल के आप कर सकते हैं। वो सारा वीडियो आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा अपडेट मैं फिर से आपको देना चाहूँगा कि फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। स्मार्ट टेलीकॉम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलेंगे। आप हमारे जो भी नए वीडियो आएंगे आपको हमेशा करेंटली मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए सारा प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कैसे क्या करना है। तो अब उसके लिए सबसे पहले मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ से इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो आपको पहले मोबाइल स्क्रीन पे जाना है, क्योंकि अभी आपको मैं सारे चीज़ करके दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। क्यों और क्या कैसे वो मैं आपको सब कुछ करके इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि आपको विद प्रैक्टिकली आपको मैं देने वाला हूँ। तो ये देखिए, अभी हमारा फ़ोन कनेक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन कनेक्ट है। तो मैं इसमें फ़ाइल मैनेजर आपको पहले खोल के दिखा लेता हूँ फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं, ये हमारा फ़ाइल, ये हमारी जो लोकल फ़ाइल है, ये हम देख सकते हैं, ये हमारा अभी मेरा डाटा केबल लगा हुआ है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, अभी मेरा डाटा केबल लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं। बट यही चीज़ आपको बिना डाटा केबल के कंप्यूटर स्क्रीन में मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसीजर, आपका इस फ़ोन का आपका वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। आपका इस फ़ोन का फ्रेंड्स मैं बता दूँ, आपका वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए, जो कि मेरा फ़ोन यहाँ पर कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि इस फ़ोन का आपका कनेक्ट होना चाहिए वाईफाई, जैसा कि हमने बताया इस फ़ोन का आपका वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। सबसे पहला प्रोसेस कि आपका इस फ़ोन का वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए फ्रेंड। ये तो अभी डाटा केबल लगा हुआ है, मैं भी बिना डाटा केबल के सारा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो उस फ़ोन में आपका वाईफाई, आपके फ़ोन का, जिस फ़ोन का आप फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस फ़ोन का आपका वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए, बस। अब उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा प्रोसेस आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे RS फाइल मैनेजर, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, या तो हमने क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे टैब क्लिक हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे RS फाइल मैनेजर पे आपको क्लिक करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि RS फाइल मैनेजर आपको डाउनलोड करना है। मैं फिर से वर्क करता हूँ, आपको यहाँ पे देखेंगे क्लिक हो रहा है, तो आपको यहाँ पे RS फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोसीजर चल रहा है, आपको RS फाइल मैनेजर को क्लिक करना है, आपको RS फाइल मैनेजर डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे नेटवर्क, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीटेड है, तो आपको यहाँ पे देख सकेंगे यहाँ पे नेटवर्क लिखा हुआ है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, नेटवर्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे वाई व्यू ऑन PC, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अभी मेरा डाटा केबल से कनेक्ट है, बस आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, अभी डाटा केबल मैं निकालूंगा, उसके बाद वो फाइल मैंने जो आपको दिखाई थी वो सारा चीज आपको दिखाऊंगा विद प्रैक्टिकल। अब आपको जैसे आपने व्यू और इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न ऑन, आपको व्यू ऑन PC पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, टर्न ऑन। जैसे आप टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक कोड दिखाई दे रहा है, URL यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको फ्रेंड्स ये URL आपको कॉपी करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये URL आपको यहाँ से कॉपी करना है, जैसा कि ये कॉपी शेयर हो चुका है, तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी का ऑप्शन तो यहाँ नहीं आ रहा है, तो फिर भी यहाँ पे आपको ये कॉपी करना है। अब ये कॉपी करने के बाद क्या प्रोसीजर है, अब मैं अपने डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ, ये डाटा केबल मैं निकाल देता हूँ फ्रेंड्स। आप समझ गए होंगे, आपको मैं फिर से एक बार जल्दी से रिमाइंड कर दे रहा हूँ फटाक से कैसे आपको करना है। आपको ये खोलना है, ऐप खोलना है, ऐप खोलने के बाद थ्री डॉट पर जाना है, नेटवर्क पे जाना है, फिर आपको व्यू ऑन PC पे जाना है, फिर आपको यहाँ पे टर्न ऑन करना है, तो आपको एक URL मिलेगा। ये URL क्या करना है अब मैं दिखाता हूँ आपको, तो मैं इसको कट कर देता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं डाटा केबल को देखिए मैं निकाल देता हूँ। डाटा केबल को हमने ये निकाल दिया है। अब जो URL हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर URL आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, अब इस URL को आपको जाना है, आपको यहाँ पर जाना है, अपने एक फोल्डर खोलना है, आपको यहाँ पर एक फोल्डर खोलना है, ये यहाँ पे आपको फोल्डर को ओपन कर लेना है फ्रेंड्स।
अब आपको यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे वो URL डालना है। तो यहाँ पे URL, जो URL लिखा होगा FTP, और आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला, क्योंकि हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आपको ये URL आपको सिंपली जो जैसा लिखा होगा आपको यहाँ पे URL को क्लिक करना है। जैसे आप URL को यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आपका फाइल बिना डाटा केबल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप, ये आपका आपका फाइल आ चुका है, पूरा प्रॉपरली फाइल आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी वर्क करता है कि नहीं करता, ये भी मैं आपको बिग प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि आप कंप्यूटर से फाइल ले भी सकते हैं और कंप्यूटर से फाइल दे भी सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जिन भाइयों को नहीं पता था तो ये वीडियो बहुत अच्छी है, जिन भाइयों को पता था तो स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जाता हूँ, ये मेरे फ़ोन का चल रहा है, मैं आपको फ़ोन पे भी दिखा दूँगा कि एक्चुअल में ये है कि नहीं है। तो ये हमारे फ़ोन का हो गया, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कैमरे में जाएंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सारा फ़ोटोज़ हमारे फ़ोन का है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा डाटा मेरे फ़ोन का है, जो कि बिना कुछ किए, बिना कोई डाटा केबल लगाए, अब आप डाटा केबल आपको नहीं लगाना होगा, आप सिंपली तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो है, तो मैं एक को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एक फ़ोटो भी आ गया होगा यहाँ पे डेस्कटॉप पे, तो हमने सेंड किया है, ये देखिए ये हमारा फ़ोटो आ चुका है। तो ये देखिए, आई होप जो ये हमारा था, ये एक्चुअल मेरी ही गाड़ी है, और ये मेरे गाड़ी का मतलब मेरा ये फ़ोटो था जो कि यहाँ पे इसी तरीके से आ चुका है फ्रेंड्स। अब इसे कोई भी फाइल आपको जैसे ट्रांसफ़र करना है, तो मैं आपको एक फ़ाइल भी ट्रांसफ़र करके इस PC से दिखा देता हूँ कि आप सिंपली फ़ाइल को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सिंपली मैं एक फ़ोन एक फ़ाइल को मैं ट्रांसफ़र भी करती हूँ, आपको बिग प्रैक्टिकल सारा चीज़ आपको प्रैक्टिकली तौर पर मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स कि कैसे आप कर सकते हैं। तो मैं एक फ़ाइल को भी ट्रांसफ़र कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आपको जस्ट करना है कॉपी, अब आपको जाना है जहाँ पे आपका URL वो खुला हुआ था। तो यहाँ पे मेरा ये खुला हुआ डेस्कटॉप, इसको हम बैक करेंगे, ये हमारे और बैक करेंगे, तो आपको देख सकते हैं ये हमारा, आप ये हमारे स्टोरेज है, हमारे फ़ोन का स्टोरेज है। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, तो जो वो वीडियो था मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा, और ये वीडियो यहाँ पे भी आपको बिग प्रैक्टिकल तौर से दिखा दूंगा। तो देखिए आप बिना डाटा केबल के हमारी फाइल ट्रांसफ़र हो रही है, जो कि वहाँ पे एक वीडियो था, एक फ़ोटो मैंने एक मोबाइल से डाला, और एक वीडियो मैंने कंप्यूटर के अपने मोबाइल में डाल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से मैं चाहता हूँ वीडियो बने, कोई भी फेक वीडियो मैं नहीं डालता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, कोई भी फेक वीडियो मैं नहीं डालता हूँ अपने चैनल में, जो भी वीडियो होता है जेन्युइन वीडियो मैं डालता हूँ, सारी चीज़ें हमारे जेन्युइन तरीके से होती है। उसके लिए आपको मैंने सारा प्रोसीजर बताया है। इस फ़ोन का आपका वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए, और वाईफाई उसी PC में कनेक्ट होना चाहिए, और ये फ़ोन देख सकते हैं वायरलेस तरीके से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब अब डाटा केबल लगाने की कोई भी झंझट ख़त्म हो गई फ्रेंड। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और प्यार, और आपका सब्सक्राइब हमें चाहिए, जिससे कि हम जितना मोटिवेट होंगे उतना मोटिवेट हम आपके लिए लेकर के आएंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे सारा प्रोसीजर। अब आपको बार बार URL भी डालने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने URL डाल दिया, और आपको अब बार बार URL नहीं डालना है, वन टाइम। अगर हाँ कभी URL चेंज होता है तो आप देखिएगा अपना जाकर के URL मैच करिएगा कि हमारा URL मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं टर्न ऑन है फ्रेंड्स, अभी भी टर्न ऑफ़ करने के लिए बोल रहा है, तो आप टर्न ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको टर्न ऑफ़ करूँगा, क्योंकि हमने फ़ाइल को डाल दिया है, टर्न ऑफ़ मैं कर चुका हूँ। अब ये मैं इसको कट कर दूंगा फ्रेंड्स। अब मैं आपके PC मैं अपने में देखता हूँ सिस्टम में कि हमारे में वो वीडियो, जो यहाँ पे जो वीडियो थी, मैं आपको एक बार थोड़ा सा चला देता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट था ये हमारे उसमें आया कि नहीं आया फ्रेंड्स। तो मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं हमारा वो बहुत ही ईजी तरीके से आ चुका है DKVV, और मैं आपको वो चेक करके वीडियो प्ले करके देख, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स जो हमारा था ऑलवेज। देखिए ये मैंने सारा प्रैक्टिकल वीडियो डाला कि जिससे कि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आए, क्योंकि हमारे फाइल का मोटिव था बिना डाटा केबल लगा करके आप फाइलों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप सेंड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।